परंतु क्लासेस में सभी परंतुओं का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे हेरिडिटी, अनुवांशिकी, और उसके पहले देखे थे कोशिका, स्टार्ट किए थे सेल, है ना। तो दो क्लास हो गए हैं। तो सेल और अनुवांशिकी से रिलेटेड एक और क्लास लगेगा जो कृषि और बायो दोनों का पार्ट होगा, है ना। इसमें आज डिस्कस करेंगे हम लोग पहले जीन जीन्स के बारे में, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड और डीएनए के बारे में, दोनों एक ही हैं, दोनों रिलेटेड है, और तीसरा कोशिका विभाजन, ठीक, सेल डिवीजन के बारे में। तो अभी पहला स्टार्ट करते हैं जीन के बारे में। किसके बारे में? जीन के बारे में। हाँ, अनुवांशिकी, जिसमें अनुवांशिकी और गुणसूत्र पढ़ चुके हैं हम लोग, क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तो ये सब बहुत ईजी लगेगा, मतलब पिछला क्लास अच्छे से याद होना चाहिए, तो ये ईजी है। आगे देखें, जिन जिन की खोज किसने की? तो जॉनसन ने। और गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो मेंडल का नियम पढ़े हैं, है ना। तो मेंडल ने भी जिन को कुछ नाम से पुकारा था, उस फैक्टर कहा था, ठीक। जिन को क्या नाम दिया था मेंडल ने? अच्छे से याद रखना, जिन को नाम दिया था फैक्टर, कारक। क्या कारक? तो जिन की खोज किसने की? तो जॉनसन ने। लेकिन मेंडल ने जिन को क्या कहा? तो फैक्टर। क्या कहा? फैक्टर। अब देखिए, जिन इकाई है, यूनिट है, किसका किसका, देखिए इसको ऐसे समझिएगा तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। जिन को अनुवांशिकी की इकाई, अनुवांशिकी लक्षणों की इकाई, लक्षणों या गुणों की इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं देखेंगे। अनुवांशिकी लक्षणों की इकाई किसे कहते हैं? तो जीन। और गुणसूत्र को क्या बोलते थे? गुणसूत्र को बोलते थे कैरियर ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकी वाहक कहते थे, याद रखिएगा। अनुवांशिकी लक्षणों की इकाई या गुणों की इकाई किसे कहते हैं? जिन। इनको उत्परिवर्तन की इकाई भी पूछा तो भी जिन, उत्परिवर्तन की इकाई, या पूछा संचरण की इकाई, अनुवांशिकी में संचरण की इकाई, तो भी आंसर क्या? जिन, ठीक। अनुवांशिकी लक्षणों की इकाई, यूनिट ऑफ हेरिडिटी फीचर्स, तो भी जिन। यूनिट ऑफ म्यूटेशन, तो भी जिन। यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन, तो भी आंसर क्या? जिन। अनुवांशिकी लक्षणों की इकाई कौन? जिन। अनुवांशिकी पदार्थ कौन कौन से हैं? तो डीएनए, आरएनए। और अनुवांशिकी का वाहक कौन सा है? तो गुणसूत्र, याद रखेगा, इसको पूछते रहता है। अब देखिए, अनुवांशिकी लक्षणों की इकाई, अनुवांशिकी हेरिडिटी, जैसे पेरेंट हैं, चाइल्ड हैं, ठीक। तो पेरेंट से चाइल्ड हम लोग पढ़े हैं क्या? कोशिका, कोशिका सेल, है ना। मान लो ये कोशिका है, ठीक। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक, है ना, न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। अब इस केंद्रक में ये जो होता था, इसको क्या बोलते थे? गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। क्या बोलते थे? गुणसूत्र। अब इसी गुणसूत्र में डीएनए होते हैं, जो आगे का टॉपिक है हमारा, क्या? डीएनए। गुणसूत्रों में ही क्या होते हैं? डीएनए। और डीएनए में जो बहुत छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई, स्मॉल यूनिट एक और होता है जिसको नाम दिया गया है जिन। और ये जिन क्या करता है? पेरेंट से चाइल्ड में अनुवांशिक लक्षण को लाता है। किसको लाता है? अनुवांशिक लक्षण को लाता है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? अनुवांशिकी लक्षणों की इकाई।
कुछ गुण पेरेंट का चाइल्ड में भी ट्रांसफर होते हैं, देखना पेरेंट्स का चाइल्ड में भी ट्रांसफर होता है, तो वो किसके कारण होता है? अनुवांशिक लक्षण के कारण। जी, किसके कारण होता है? तो जिन के कारण। तो वो किसके कारण होता है? जिन के कारण। तो पेरेंट से चाइल्ड में देखिए, गुणसूत्र के अंदर डीएनए के अंदर सबसे स्मॉल यूनिट जिसको जिन कहते हैं, जिन ही अनुवांशिक लक्षण को लिए रहता है और वही ट्रांसफर होता है। आप समझते हैं इसको उत्परिवर्तन की इकाई यूनिट ऑफ म्यूटेशन क्यों बोलते हैं? अच्छे से समझिएगा ये भी, यूनिट ऑफ म्यूटेशन। देखिए अभी बताया मैं डीएनए में क्या होते हैं, ठीक, मान लो ये डीएनए है आपका, ठीक, अलग अलग क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, क्या हो गए जीन, मान लो ये एग्जाम्पल है, ए जीन है, ये बी जीन है, ये सी जीन है, ठीक, और ये डी जीन है, अलग अलग जीन्स हैं। मान लो इस डीएनए में ये सब जो जीन्स हैं उसमें से कोई एक जीन परिवर्तित हो गया, ठीक, किसी भी कारण परिवर्तित या चेंज हो गया, इसी को उत्परिवर्तन नाम दिया गया है, म्यूटेशन नाम दिया गया है। तो म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, कि डीएनए के छोटी सी इकाई या जीन में परिवर्तन ही म्यूटेशन क्या कहलाता है, इसके कारण क्या होता है वो समझना जरूरी है। अब देखिए, क्योंकि म्यूटेशन मतलब एक जीन में परिवर्तन हुआ, मतलब अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इस छोटे से परिवर्तन का इफेक्ट क्या होता है, डीएनए में परिवर्तन आता है, ठीक, परिवर्तन मतलब अच्छा परिवर्तन नहीं होता, डीएनए में डिफेक्ट आ गया मतलब बहुत खतरा है, मतलब कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ठीक। अब देखिए डीएनए में परिवर्तन आएगा, डीएनए से ही आरएनए बनता है, क्या बनता है, आरएनए। मान लो एक डीएनए खराब हुआ, ठीक, एक डीएनए 100 आरएनए को बनाएगा, तो 100 आरएनए भी खराब होगा, ठीक, परिवर्तित होगा, बैड होगा। अब आरएनए से प्रोटीन में जाता है, ठीक, आरएनए से क्या किस में जाता है, प्रोटीन। अब लगभग 1 लाख प्रोटीन में गया, मान लो कितने, 1 लाख, तो 1 लाख प्रोटीन भी खराब होंगे, और ये सब किस में होते हैं, कोशिका, किसका पार्ट होता है, कोशिका सेल। तो एट लास्ट किसके किस में खराबी हो जाता है, कोशिका ही पूरा खराब होने लगता है, और कोशिका से ही फिर क्या बनता है, सेल से ही फिर टिश्यूज बनते हैं, उत्तक बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, है ना, ठीक। मतलब ये सब अगर डीएनए में खराबी, देखिए प्रोटीन लेवल पर खराबी हुआ तो ये आप समाप्त कर सकते हो, आरएनए लेवल पर भी समाप्त कर सकते हो, लेकिन डीएनए लेवल पर हुआ तो बहुत बुरा होता है, मतलब सारा चीजें नष्ट होने लगता है, कोशिका ही नष्ट होने लगेगा आपका। तो सबसे बुरा चीज होता है, याद रखना, म्यूटेशन, ठीक, डीएनए लेवल पर। अब डीएनए ही आपका बदल गया तो आप कुछ और ही दिखने लगोगे, ठीक, दूसरा ही दिखने लगोगे, इसलिए बहुत दिक्कत वाला बात है, कौन सा, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, है ना। तो इसीलिए जीन को उत्परिवर्तन की इकाई, मतलब उत्परिवर्तन मतलब सारा परिवर्तन कर देता है, छोटा सा चीज, इसीलिए इसको उत्परिवर्तन की इकाई कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन की इकाई। डीएनए को संचरण की इकाई भी कहते हैं, यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन, यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि ये पेरेंट से चाइल्ड तक, कहां से, पेरेंट से चाइल्ड तक अनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसमिशन करता है, ठीक, अनुवांशिक लक्षणों का क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है, इसलिए इसको संचरण की भी इकाई कहते हैं, किसकी इकाई, संचरण की भी इकाई। अब कुछ चीज और जानना है, देखिए किसकी क्या क्या बोलते हैं ये समझ गया। अब एक तो जानना है जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, दूसरा जानना है जीन एक्सचेंज क्या होता है, और तीसरा जानना है जीन थेरेपी क्या होता है, ठीक। अब देखिए एक चीज समझिएगा, तो जीन का क्या कार्य है, जीन का वर्ग क्या है, तो जीन का एक ही मुख्य मुख्य कार्य है कि अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण यही करता है, ठीक, कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी फीचर्स,
अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण ही क्या किसका कार्य है, जिनका। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिन एक्सचेंज और जिन थेरेपी क्या होता है, ये पूछते रहता है। चलिए समझते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखिए, मान लो कोशिका को, सेल को चेंज करना है, साइज को चेंज करना है, या कोशिका में डेवलपमेंट करना है, किसी का भी जैविक चीजों का, जैविक कोशिका में ही होता है, ठीक, जो लिविंग होते हैं। तो जैविक कोशिका में चेंज करना है, सेल में चेंज करना है, तो क्या होता है, जैविक कोशिका को लेकर इसके, इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होगा, आपका जीन होगा, तो जीन में ही जीन को परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक, ताकि इसका विकास हो सके। ऐसा परिवर्तन करते हैं जिससे उसका डेवलपमेंट हो, अच्छा ही हो, ठीक। तो जीन में या डीएनए में कृत्रिम रूप से परिवर्तन, ठीक, जिससे कोशिका का साइज बदल जाएगा या कोशिका पहले से बेहतर हो सके, सेल, उसी को क्या नाम दिया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या नाम दिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, इसी को नाम कर क्या क्या दिया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब समझते हैं जीन एक्सचेंज क्या होता है। मान लो ये डीएनए है, डीएनए में ABCD, और इस डीएनए में फिर से ABCD, ऐसा जीन है। मान लो ये डीएनए से इस डीएनए के बीच, ठीक, ऐसा एक्सचेंज हो गया, क्या, जीन, तो इसको जीन एक्सचेंज कहते हैं। वो अलग अलग कोशिका करने के लिए क्या किया जाता है, ऐसा। जीन थेरेपी किसे कहते हैं, अब देखिए, जीन थेरेपी मेडिकल में यूज किया जाता है। मेडिकल में क्यों यूज करते हैं, मान लो आपका कोशिका खराब हो गया, ठीक, अब कोशिका खराब हो गया, तो अब ये इस कोशिका जो खराब हुआ है वो डीएनए लेवल पर हुआ है। डीएनए लेवल पर मतलब मान लो आपका कोई जीन ही खराब हो गया, जैसे म्यूटेशन होता है, ठीक। अब ये इसी को, जिन खराब होता है उस परिवर्तित होता है, उसको म्यूटेशन नाम दिया गया है ना। अभी देखे थे ये उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। अब डॉक्टर क्या करते हैं, जिसके कारण ये खराब हुआ है उसके जगह दूसरा रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं जिन का, और यहां पे परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। कई बार सफल होते हैं, कई बार असफल भी हो जाते हैं, ठीक, और उससे डीएनए स्वस्थ हो जाता है, जिसे इसी को जीन थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन थेरेपी, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछा कि एक जीन से दूसरे जीन में कृत्रिम रूप से परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। खराब जीन को परिवर्तित करने की प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो जीन थेरेपी, याद रखिएगा, है ना, यह है आपका जीन। हाँ, जीन में एक और चीज याद रखिएगा, सिस्ट्रॉन किसे कहते हैं, सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है, जीन के का जो भी प्रत्येक कार्य होता है, तो जीन के प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो सिस्ट्रॉन। हर कार्य किसके द्वारा संपादित होता है, तो सिस्ट्रॉन, उसी को नाम क्या दिया गया है, सिस्ट्रॉन। ये है आपका जीन, ठीक। चलिए जिन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं रैपिडली। जिन के आविष्कारक जॉनसन, जैसे जिन, जैसे जॉनसन, मेंडल ने इसे क्या कहा, फैक्टर एक, किसका किसका इकाई है, कहलाता है अनुवांशिक लक्षणों की इकाई, उत्परिवर्तन की इकाई, संचरण की इकाई, यूनिट ऑफ हेरिडिटी फीचर्स, यूनिट ऑफ म्यूटेशंस, यूनिट ऑफ ट्रांसमिशंस, है ना। और क्या क्या जानना है इसको, क्यों 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 ऐसा बोलते हैं, ये पूरा डिटेल, और क्या जानना है इसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, जीन एक्सचेंज किसे कहते हैं, और जीन थेरेपी किसे कहते हैं। इतने में क्वेश्चन बनता है। और एक चीज क्या कर लेना है, सिस्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो सिस्ट्रॉन जीन के प्रत्येक कार्य के लिए जो उत्तरदायी होता है उसी को क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन, है ना। चलिए अब डीएनए में चलते हैं। अब देखते हैं डीएनए, लेकिन डीएनए के लिए बेस होता है न्यूक्लिक अम्ल, तो इसको पहले समझते हैं।
न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, एक तो डीएनए नाम है और दूसरा आरएनए। क्या क्या नाम है? डीएनए और आरएनए। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, या इसको मैं लिख दूं डीएनए, इसी का भाग है, क्योंकि डीएनए का निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। किससे? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हजारों न्यूक्लियोसाइड से होता है। किससे? न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड्स किससे बना होता है? तो शर्करा, सुगर और नाइट्रोजन बेस से। किसके किससे? नाइट्रोजन बेस। अब देखिए, जो नाइट्रोजन बेस है, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, इसमें से ये जो चार हैं, ए, जी, टी और सी, पहला चार, ये डीएनए के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? डीएनए के लिए। ठीक, किसके लिए? डीएनए के लिए। ये चार किसके लिए होते हैं? डीएनए के लिए। और साइटोसिन को हटा दो तो एडिनिन, ग्वानिन, थाइनिन और यूरेसिल जो होते हैं वो आरएनए के लिए होता है। किसके लिए? आरएनए के लिए। तो अभी डीएनए का काम है, तो डीएनए में क्या क्या नाइट्रोजन बेस होते हैं? तो एडिनिन ए, ग्वानिन जी, थाइमिन टी और सी मतलब साइटोसिन, ये चार होते हैं। इसको याद करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक, हम लोगों को ये याद करना ही पड़ेगा। पहली बार जो पढ़ रहे होंगे बायो, उसके लिए थोड़ा दिक्कत जाता है, लेकिन 2-3 बार पढ़ लो तो बहुत ईजी पड़ता है ना। एडिडिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। अब देखिए, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा से मिलकर क्या बना? न्यूक्लियोसाइड्स। तो डीएनए एक्चुअल में बनता है, एक तो फॉस्फोरिक एसिड, एक तो शर्करा जिसको पेंटोस शुगर भी कहते हैं, दूसरा नाइट्रोजन क्षारक है ना, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस, और तीसरा फॉस्फेरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक, तो एक्चुअल में डीएनए किससे किससे मिलकर बना होता है? तो शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फोरिक अम्ल से, है ना। या ये नहीं हुआ तो बहुत सारे हजारों न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए। हजारों न्यूक्लियोसाइड्स मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, याद रखिएगा। और ये दोनों मिलकर ही न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फोरिक अम्ल मिल जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, इसी से डीएनए या आरएनए बनता है। इसी से क्या बनता है? डीएनए, है ना। चलिए, इतना तो बेस है, इसको तो हम लोगों को याद करना ही पड़ेगा इतना। ठीक, चलिए अब चलते हैं डीएनए में, किसमें? डीएनए संरचना वगैरह। चलिए अब देखते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ना। अभी न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूरा देखे हैं, तो डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी को हटा दीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म है ना। डीएनए एक पॉलीमर होता है, पहला चीज तो इसमें ध्यान रखिएगा। डीएनए एक क्या होता है? पॉलीमर, बहुलक होता है। ठीक, क्या है? पॉलीमर। दूसरा, इसका जो संरचना होता है, ये द्विचक्राकार होता है। क्या होता है? द्विचक्राकार मॉडल की तरह होता है, डबल हेलिक्स। क्या होता है? डबल हेलिक्स। ठीक, तीसरा चीज, इसका संरचना सबसे पहले वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने? वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था 1953 में, जिसके कारण इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज। ठीक, चौथा चीज इसमें याद रखना है डीएनए में,
इसको अनुवांशिक, ये सभी जीवों का अनुवांशिक पदार्थ होता है। सभी जीवों का क्या होता है? अनुवांशिक, अनुवांशिक पदार्थ, हेरिडिटी सब्सटेंस होता है सभी जीवों का। केवल विषाणु, विषाणुओं को छोड़कर, वायरस को छोड़कर, किसको छोड़कर? वायरस को छोड़कर एक्सेप्शन, ठीक, क्या है? विषाणु। तो जो डीएनए होता है वही सभी जीवों का अनुवांशिक पदार्थ होता है, किसको छोड़कर? विषाणुओं को छोड़कर, है ना। नेक्स्ट याद रखिएगा इसमें पांचवा चीज कि डीएनए में सर्वाधिक फॉस्फोरस होता है। क्या होता है? फॉस्फोरस सर्वाधिक होता है, यही सबका बेस होता है डीएनए के। और अनुवांशिक स्तर पर व्यक्तियों का जो पहचान किया जाता है वो डीएनए, वो डीएनए फिंगरप्रिंट से करते हैं। किससे? डीएनए फिंगरप्रिंट से, याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा याद रखना है, चलिए, एक तो बहुलक, ठीक, संरचना द्विचक्रकार होता है, वाटसन संरचना अभी देख रहे हैं, देखेंगे, चलिए। वाटसन एवं क्रिक 1953, अनुवांशिक पदार्थ सभी का अनुवांशिक, सभी जीवों का अनुवांशिक पदार्थ है विषाणु को छोड़कर, और डीएनए में सर्वाधिक क्या होता है? फॉस्फोरस। अब चलिए देखिए, चलिए, डीएनए के संरचना में चार नाइट्रोजन भाग लेते हैं, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन चार भाग लेते हैं, जिसको पहले भी देख ले। एक तो एडिनिन, ठीक, दूसरा थाइमिन, ग्वानिन, तीसरा और चौथा साइटोसिन, ठीक, अभी नाइट्रोजन बेस जो देखे थे। अब ये चार जो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन चार भाग लेते हैं, अब इसमें कुछ कुछ चीजें याद रखना है हम लोगों को। पहला चीज, डीएनए के एक चक्र में 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कितने? 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं? 10। डीएनए के एक चक्र की दूरी 34 एमस्ट्रॉन्ग होता है। कितना? 34, ठीक। तो अब दो नाइट्रोजन बेस, दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। कितना? 3.4, याद रखिएगा, ठीक। ये कुछ चीजें याद रखना है हम लोगों को। चार नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हैं? डीएनए के एक चक्र में कितने नाइट्रोजन क्षार? तो 10, एक चक्र में 34 एमस्ट्रॉन्ग, और दो नाइट्रोजन क्षार में के बीच की दूरी 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, है ना। इसमें और एक चीज याद रख लीजिएगा, डीएनए एक्सरे विश्लेषण का अध्ययन किसने किया था? तो डीएनए एक्सरे विश्लेषण का अध्ययन विल्किंस ने, किसने? विल्किंस ने, याद रखिएगा, है ना, किसने किया था? विल्किंस ने। ये हो गया आपका डीएनए। क्या डीएनए? देखते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन क्या होता है। इसमें तीन प्रकार के सेल डिवीजन पढ़ेंगे, मिटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस, समसूत्री, अर्धसमसूत्री और असूत्री, या असमसूत्री भी कहते हैं उसको। कोशिका विभाजन, जैसे हम लोग कोशिका पढ़े हैं ना, ये मान लो आपका कोशिका है, सेल। सेल क्या करता है? अपने ही प्रकार का, ठीक, दूसरा सेल भी पैदा करता है, अलग अलग, ठीक, सेल डिवाइड होकर, क्योंकि हम लोग पढ़े ही हैं। क्या? सेल का निर्माण पूर्ववर्ती सेल से ही हो सकता है ना, सेल का निर्माण पूर्ववर्ती सेल से ही हो सकता है। अब कोशिका जो सेल होता है वो नए सेल्स, ये नया कोशिका मान लो जन्म देता है, ये भी नया कोशिका है। इस कोशिका से दो नए कोशिका बने, तो जिस कोशिका से बन रहे हैं उसको मदर सेल बोलेंगे, ठीक, और जो नए बन रहे हैं उसको डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉटर सेल।
मदर सेल और डॉटर सेल, जहां से बनता है उसको मदर सेल, जो बनता है उसको डॉटर सेल। ठीक, अब देखिए हमारे हर हमारे अंगों में कोशिका पाए जाते हैं, ऑर्गन्स में सेल पाए जाते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। अब कहीं का भी ऑर्गन लो, हमारे सेल में कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं? मनुष्य के कोशिका में 46 है ना, कितने क्रोमोसोम्स हैं, कितने गुणसूत्र हैं? 46। अब कोई सा भी नया कोशिका, जैसे एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र हैं, मान लो ये नया डॉटर सेल बनाता है, तो डॉटर सेल्स का भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46 होता है, केवल केवल स्पर्म और ओवम को छोड़कर। ठीक, स्पर्म और ओवम, अंडाणु और शुक्राणु को छोड़कर, है ना, अंडाणु और शुक्राणु में 23 होता है, तभी तो 46 निर्माण करते हैं, है ना। अब देखिए क्रोमोसोम, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, देखिए उसके बाद कोशिका विभाजन के बाद इसको देखेंगे। चलिए थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ चीजें हमको याद रखना है, उसको देखिए बहुत इजी है। सेल डिवीजन ही ऑर्गन्स ग्रो करता है, मतलब ऑर्गन्स मतलब जो अंग होते हैं उसका विकास, अंगों का विकास कौन करता है, किससे होता है? तो सेल डिवीजन से। अंग का विकास कैसे? जैसे लीवर हमारा छोटा है, तो ये लीवर सेल डिवीजन से ही, ठीक, क्या सेल डिवीजन से ही बड़ा होते जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, विकास हुआ, डेवलप हुआ। ठीक, अब जब बच्चे थे हम तो लीवर छोटा था, अब लीवर थोड़ा थोड़ा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लीवर के बढ़ने का क्या कारण? सेल डिवीजन। ठीक, और मदर सेल क्या करेगा, छोटे छोटे डॉटर सेल्स देते जाएंगे, तो डॉटर सेल्स बढ़ते जाएगा, है ना। अब देखिए, लेकिन एक टाइम तक ही बढ़ता है ना, इसको भी याद रखिएगा। दूसरा, जैसे मनुष्य का नर्व सेल्स है, नर्व मतलब दिमाग वाला, ठीक, मनुष्य का क्या है ये मान लो नर्व सेल्स, ठीक, ये सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, मतलब विकास होता है, तभी बड़ा नर्व सेल्स बनेगा। जिसका जितना बड़ा नर्व सेल बना उसका उतना दिमाग ज्यादा चलेगा। ठीक, मतलब सेल डिवीजन जितना ज्यादा हुआ उतना अच्छा है, नर्व में, कहाँ पे, नर्व में, है ना। अब देखिए ये तो समझ गए होंगे, इधर रखाते हैं। ठीक, लेकिन एक टाइम तक ही बढ़ पाता है, उसके बाद नर्व सेल जब, मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन एक टाइम के बाद क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है, तो यहाँ पे जितने सेल्स हैं वो नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए हमारे उम्र के बढ़ने के साथ साथ देखना दिमाग भूलना स्टार्ट हो जाता है हमारा। ठीक, जैसे हम एजेड होते जाते हैं, हम कुछ चीज़ें हम भूलने लगते हैं, तो जो भूलने की बीमारी आने लगती है वो नर्व सेल के नष्ट होने के कारण होता है। किसके कारण? नष्ट होने के कारण। तो सेल डिवीजन से ही पहला चीज क्या हुआ, ऑर्गन्स अंगों का विकास होता है। दूसरा, सेल डिवीजन से ही ऑर्गन्स रीजनरेशन होता है। क्या होता है? ऑर्गन्स रीजनरेशन, ऑर्गन्स मतलब अंग फिर से पुनर्जीवित होता है, पुनः जीवित होता है। ये कैसे होता है? जैसे यहां पे हम एग्जांपल लिए किसका, लीवर का। तो अब लीवर मान लो छोटा लीवर था, सेल डिवीजन हुआ, है ना, सेल डिवीजन से क्या हुआ, बड़ा लीवर बना। ठीक, अब मान लो कुछ ऐसा काम किए जिससे लीवर खराब हो गया, जैसे जैसे आप शराब वराब पीने लगे,
तो उससे क्या होगा, सेल मान लो इतना डिवीजन लीवर का खराब हो गया, ठीक। अब जो इसमें बचा लीवर कितना है, ये इतना बचा है मान लो अब लीवर, तो अब लीवर को फिर से जनरेट करने का काम कौन करेगा, तो फिर से जनरेट करने का काम क्या कौन करेगा, सेल डिवीजन। इस लीवर में अगर स्वस्थ लीवर है तो फिर से सेल डिवीजन होने लगेगा और फिर से आपका लीवर ठीक पुनः जीवित होगा। तो ऑर्गन्स रीजनरेशंस का काम भी किसका, कोशिका विभाजन का, किसका, कोशिका विभाजन। तो एक तो अंगों का विकास करना और एक अंगों को पुनर्जीवित करना, दोनों काम किसका, कोशिका विभाजन का। लेकिन कुछ चीजें अब इसमें अपवाद है, जैसे कान का जो हड्डी होता है जिसको स्टेप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेप्स, जो सबसे छोटा हड्डी होता है पूरे शरीर का हमारा, कान का हड्डी, इसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता। मतलब जितना बड़ा होता है उतना ही होता है, मतलब बचपन में जितना बड़ा होता है उतना ही रहता है। जैसे और कहाँ पे नहीं पाया जाता, और ब्लड सेल डिवाइड नहीं होते, ब्लड सेल डिवीजन नहीं होते। तो ब्लड सेल कहाँ से बनता है फिर, ये तो जरूरी है हमारे यहाँ। तो हड्डी का जो हमारे हड्डी बोन का जो मैरो होता है, हड्डी के बीच ठीक बोन मैरो होता है, इसी से ब्लड सेल बनता है। ब्लड में ब्लड डिवीजन नहीं होता, ब्लड डिवाइड नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता वहां पे। ये हड्डी के बोन मैरो से, बोन के मैरो से बनता है, इसे याद रखिएगा। और कहां पे नहीं होता, तो आंखों के कॉर्निया में, कहां पे, कॉर्निया मतलब कॉर्निया जितना बड़ा होता है, मतलब हमारा आंख जितना बड़ा रहता है बचपन में उतना ही पूरा जीवन पर्यंत रहता है, उसमें सेल डिवीजन, आंखों में सेल डिवीजन नहीं होता, आंखों का विकास नहीं होता, कभी भी बढ़ता या बढ़ता नहीं है हमारा सेल डिवीजन से, याद रखिएगा, है ना। कॉर्निया में, कान में, ब्लड सेल्स में, कॉर्निया में, यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता हमारा, ठीक, मतलब विकास नहीं होता, सेल डिवीजन से ही विकास होगा, मतलब बड़ा होगा। लेकिन जब सेल डिवीजन एक लिमिट तक ही विकास होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम हमारा जो कोई भी ऑर्गन है एक लिमिट तक बढ़ना चाहिए, जैसे लीवर है तो लीवर एक लिमिट तक ही बढ़ना चाहिए। अब मान लो सेल डिवीजन अनलिमिटेड हो जाए, ठीक, मतलब सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, मतलब कोई एक अंग बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसी को फिर इससे क्या हो जाता है, कैंसर, किसकी बीमारी होती है फिर, कैंसर क्या हो जाएगा, कैंसर बीमारी हो जाएगा, ठीक। सेल डिवीजन जब नहीं रुक पाता फिर कैंसर होता है, क्या होता है, कैंसर। अब चलिए माइटोसिस, मियोसिस और अमाइटोसिस को समझते हैं। चलिए अब देखते हैं समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री जो कोशिका विभाजन होता है वो क्या होता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए बहुत इजी है। हाँ, दो चीज और याद रखिएगा कि फैट सेल्स जो होते हैं वो भी डिवाइड नहीं होते, वो भी डिवाइड नहीं होंगे फैट सेल्स, और हार्ट सेल्स जो होंगे वो भी डिवाइड नहीं होंगे, ठीक। फैट सेल भी डिवाइड नहीं होते और हार्ट सेल भी डिवाइड नहीं होते, जैसे ब्लड सेल, ईयर जो स्टेप्स होते हैं वो डिवाइड नहीं, डिवीजन, सेल डिवीजन नहीं होता। फैट सेल अगर डिवाइड होता तो हम तो मोटे होते होते तो कितना मोटे हो जाते भाई, फैट बढ़ जाता, है ना। हार्ट सेल भी को भी डिवीजन नहीं होना अच्छी बात है ना। अब देखिए कोशिका विभाजन, देखिए दो टाइप का होता है, एक तो कायिक कोशिका है ना, एक कायिक कोशिका और एक जनित कोशिका जिसको जनन कोशिका कहते हैं, इसको सोमेटिक सेल और इसको सेक्स या रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। अब कायिक कोशिका और जनन कोशिका क्या होता है ये समझिएगा।
कायिक कोशिका किस में होगा? समसूत्री में, माइटोसिस में, और मियोसिस में जनन कोशिका, जैसे ये मदर सेल है, मान लो मदर सेल से का विभाजन होके क्या बनता है, बोला मैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? डॉटर सेल्स। ठीक। अब हर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कितना होता है? 46। ये जब शरीर के किसी अंग में होता है, शरीर अंग में, शरीर के अंग में होने लगे, तो ये 46 जो गुणसूत्र हैं, और इससे मदर सेल से जो डॉटर सेल बनता है उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 46 ही होता है। पहले भी डिस्कस किया हम लोग, है ना। यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे चोट लग गया, अब यहाँ पे चोट लग गया, अब आजू बाजू का सेल्स क्या करेगा? नया सेल बनाएगा यहाँ पे, तो नया सेल डॉटर सेल जो बनेगा वो उनकी गुणसूत्रों की संख्या 46 46 ही होना चाहिए भी। अगर यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या अलग हो गया आपका, तो आपका ये अंग कुछ और ही दिखने लगेगा, मतलब आपका इंसान का अंग है ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक। इसलिए गुणसूत्रों की संख्या 46 46 होता है। इसी को कायिक सेल कहते हैं। क्या? सोमेटिक सेल कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं। तो जब मदर सेल और डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र मतलब ये क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर होता है, उसी को समसूत्री या माइटोसिस कहते हैं। लेकिन हम पहले पढ़े हैं मनुष्य के जनन अंग जैसे शुक्राणु और नर का शुक्राणु और मादा का जो अंडाणु होता है, ठीक, स्पर्म और ओवम जो होता है ना, इसमें 46 और 46 हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बेबी जो होगा वो 92 क्रोमोसोम्स का हो जाएगा। क्रोमोसोम 92 हो गया मतलब कोई और ही प्रजाति हो गया हो तो, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसकी संख्या 23 और 23 होती है, जिससे कि बेबी 46 क्रोमोसोम का पैदा हो, ठीक, और मनुष्य ही पैदा हो, है ना। इसी को जनन कोशिका कहते हैं, सेक्स या रिप्रोडक्टिव क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये किस में होता है? अर्धसूत्री में, मियोसिस में। किस में होता है? मियोसिस में। ठीक। ये 23 23 हो जिसको 46। इसमें मदर सेल और डॉटर सेल समान है क्या? नहीं है। इसमें मदर सेल डॉटर सेल समान नहीं होते, इसमें मदर सेल और डॉटर सेल्स के गुणसूत्र समान होते हैं, इसमें मदर सेल्स और डॉटर सेल्स के गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, है ना। अब देखिए इसको और थोड़ा डिटेल करते हैं। असूत्र में, ठीक, माइटोसिस में अ लगा दिए, मतलब मिटोसिस में अ लगा दिए, तो असमसूत्री या असूत्री कहते हैं। अमिटोसिस मतलब ये जो काम नहीं होता, ठीक, ये जो काम नहीं होता, ऐसा सेल, ऐसा कोशिका जिसमें नए कोशिका का निर्माण नहीं होता, ठीक, उसको असूत्री कहते हैं। जैसे कवक, फंगी, शैवाल, क्या बोलते हैं इसको, एल्गी, ये सब में, ये सब असूत्री के उदाहरण हैं। किसके? असूत्री के। ठीक। असूत्री में तो इतना ही पढ़ना है, लेकिन अभी हमको समसूत्री और अर्धसूत्री इनको थोड़ा और डिटेल करना है। चलिए चलिए समसूत्री में देखते हैं, माइटोसिस में। तो पहले तो माइटोसिस में कुछ चीज याद रख लेते हैं कि इसका आविष्कार फ्लेमिंग ने किया था। किसने? फ्लेमिंग ने। दूसरा, सम माइटोसिस में याद रखना है कि जो मदर सेल है और डॉटर सेल जो है, तो डॉटर सेल मदर सेल का क्लोन होते हैं, मतलब वैसे ही बनते हैं, जितने गुणसूत्र इसके होते हैं उतने ही गुणसूत्र इसके भी होते हैं। ठीक। जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल के होते हैं उतने ही डॉटर सेल के होते हैं, है ना। ये शरीर के शरीर अंगों में पाया जाता है, शरीर अंगों में, जैसे लेग्स का हो गया, ठीक, लीवर का हो गया, है ना, ये सभी शरीर अंगों में पाया जाएगा, है ना।
ये कुछ चीजें याद रखना, मतलब ये जो सबसे ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं वो माइटोसिस वाले, है ना। ये चार अवस्था में काम करते हैं। सबसे पहले तो पूर्वावस्था, मतलब मदर सेल से डॉटर सेल्स में बदलने का। मान लो ये मदर सेल है, 46 गुणसूत्र है, दो डॉटर सेल्स आएंगे, मान लो 46 गुणसूत्र का, ये भी 46 गुणसूत्र का, तो ये चार अवस्था में पूरा होगा। पहला अवस्था पूर्वावस्था कहलाएगा, दूसरा मध्यावस्था, तीसरा पश्चावस्था और चौथा अंत्यावस्था। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, इन चारों को समझते जाइएगा। प्रोफेस में क्या होगा, जो कोशिका का पढ़े हैं देखिएगा संरचना, जो कोशिका द्रव होता है और बाहर कोशिका झिल्ली होता है, तो कोशिका झिल्ली जो मदर सेल का होता है, कोशिका द्रव, ये सब गायब होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। और यहाँ पे दूसरा चीज क्या होता है, तो जो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में बदलने लगता है, किसमें, सेंट्रियोल में, सेंट्रोसोम जो बाकी द्रव्य हैं उसमें बाकी सब सेंट्रियोल में बदलने लगते हैं। तीसरा जो इसके गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र जो बहुत पतले धागे होते हैं जिसको क्रोमेटिक धागे होते हैं, है ना, जो क्रोमेटिक धागे हैं वो बड़ा होकर क्या बनते हैं, जो छोटा होकर सिकुड़ कर क्या बोलते हैं, बनते हैं गुणसूत्र। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसके सिकुड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है, झिल्ली फटने लगता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, द्रव्य समाप्त होने लगता है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में बदलने लगता है, गुणसूत्र जो क्रोमेटिक धागे हैं वो गुणसूत्र में परिवर्तित होने लगता है। मध्यावस्था में क्या होता है, अब ये जो क्रोमेटिक धागे हैं वो पूर्णतः गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स में, किसमें, क्रोमोसोम्स में, मतलब क्रोमेटिक धागे पूर्णतः देखने लगते हैं, उसी को फिर क्या नाम दिया गया है, गुणसूत्र नाम दिया गया है, ठीक, पूरा पूर्णतः विजिबल हो जाता है अब। और जो सेंट्रियोल जो है वो गुणसूत्र में जाकर चिपकने लगता है, किसमें जाकर, सेंट्रियोल गुणसूत्र में जाकर चिपकने लगेगा, तभी ये दिखने लगता है और ज्यादा स्पष्ट, ठीक। तीसरा पश्चावस्था में क्या होता है, जो अब जो डॉटर सेल्स हैं वो ध्रुव कहलाते हैं, मान लो ध्रुव, बाकी जो विपरीत, अब दो दो क्या बनना है आपको, डॉटर सेल्स, तो दो विपरीत ध्रुवों का निर्माण होने लगता है, जब दो विपरीत ध्रुवों का निर्माण हो जाता है तो अंत्यावस्था में क्या होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, फिर से ये जो ध्रुव है जो नया कोशिका बने, जो डॉटर सेल्स बने, उसमें फिर से कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, ये सब पूरा पुनर्जीवित होने लगता है, पुनर्निर्माण होने लगता है। चार अवस्था में होता है ये, ठीक, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, चार अवस्था होता है ना। हमारा काम का क्या है चीज यहाँ पे, कि थोड़ा एक बार पढ़ लें, अगर डिटेल भी आए तो बन जाए हमसे, बाकी ये सब चीजें जो देखे डायरेक्ट यहां से पूछते हैं ना समसूत्री से। अब देखिए अर्धसूत्री में, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में समझाया था, मियोसिस अर्धसूत्री में क्या होता है, जब कोशिका जो 46 होता है वो 23 और 23 में विभाजित हो जाता है, क्योंकि जनद कोशिका में होता है, किसमें, सेक्स सेल्स में होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, जैसे जनन अंग हमारे स्पर्म और ओवम में होता है, किसमें किसमें, स्पर्म और ओवम में। तो इस प्रक्रिया में जनित कोशिकाओं के लिए अर्धसूत्री होता है। तो इस प्रक्रिया में जो समसूत्री में पढ़े थे हम लोग चार अवस्था, ये दो राउंड चलता है, फर्स्ट फेस फर्स्ट राउंड और यही फिर से सेकंड राउंड, ठीक, वही सब चीजें होने लगता है, लेकिन फर्स्ट फेस के अंत्यावस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है, जो मदर सेल्स हैं उससे डॉटर सेल्स जितने हैं उसके गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है।
फिर से जब सेकेंड राउंड चलता है तो इसमें फिर से ये ऐसे करके विभाजित होते हैं, इसको प्रक्रिया को जानने की जरूरत नहीं है। 23 23 में फिर स्पर्म्स का अलग प्रक्रिया होता है, ओवम का अलग प्रक्रिया होता है, बस ये याद रखिएगा इसमें 2 राउंड चलता है यही चीजें, ठीक। बाकी सभी चीजें पूर्वावस्था में जो वहां पे हो रहा था वही होता है, मध्यावस्था में भी वही होता है, पश्चावस्था में भी वही तो होता है, और अंत्यावस्था में भी वही होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका अर्धसूत्री, क्या अर्धसूत्री मियोसिस। देखिए कोशिका विभाजन में कोशिका को 2 भागों में और बांटा जा सकता है, ठीक, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। इसको भी समझ जाते हैं, बहुत इजी है ये भी। देखिए जैसे कोशिका का हम संरचना देखे थे, कोशिका झिल्ली होता था, कोशिका का केंद्रक होता था, इसमें डीएनए आरएनए है ना होते थे, क्या होते थे, डीएनए आरएनए गुणसूत्र होते थे, ठीक, ये सब देखे थे है ना। ये यूकैरियोटिक कहलाता है जो हम लोग देखे थे। यूकैरियोटिक मतलब लगभग जो सभी जीवों में सेल का जो संरचना होता है उसको यूकैरियोटिक। इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली होता, कोशिका झिल्ली होता है, डीएनए आरएनए ये सब होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रिमिटिव, प्री से प्रिमिटिव याद रखिएगा, पहले का, इसके थोड़ा पहले का, जैसे जीवाणु बैक्टीरिया हो गया, विषाणु वायरस हो गया, नीले हरे शैवाल एल्गे हो गए, नीले हरे, ये इन सब में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाएंगे। तो इसमें और उसमें क्या अंतर रहेगा, ठीक, यहां के जो सेल होंगे यहां पे केंद्रक नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, केंद्रक का अभाव होगा, जिससे क्या होगा, पहला तो चीज क्या नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा, दूसरा केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगा, ठीक। अब तीसरा क्या होगा, जो डीएनए आरएनए है कहीं पे भी, डीएनए आरएनए कोशिका द्रव्य में कहीं पे भी क्या करते रहेंगे, स्वतंत्र रूप से घूमते रहेंगे, डीएनए आरएनए जो है यहाँ पे है ना। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक, यहाँ पे के गुणसूत्र में स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, यहाँ के गुणसूत्र में स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जबकि यहाँ के गुणसूत्र में स्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। यूकैरियोटिक में यह है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक। अब इसके आगे हम कृषि और बायो का जो पार्ट था वो खत्म कर चुके हैं, अब प्योरली बायो जो है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, है ना। कई चीजें इसके साथ ही कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कोशिका का कोशिका हो गया, डीएनए हो गया, या आपका कोशिका विभाजन हो गया, आपका गुणसूत्र हो गया, ये सब तो दोनों में दिए हैं, अब प्योरली जो बायो में बचे हुए हैं उसको देखते हैं, ठीक। चलिए।